क्या करता है वो? जी कंपनी में लागर है, फोन नाली में। कंपनी में लागा है? हाँ। कहाँ? नोएडा। नोएडा? हाँ। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। पति का कार अच्छा चले व उनकी तबीयत सही हो है? हाँ। और कोई परेशानी? और तो भगत जी सुख शांति होनी चाहिए। कितने दिन हो गए उन्हें लखवा लगे? वन है, एक साल का लोग। साथ में आए? नागर है। आए नहीं पाते हैं? वो ठंड में निकल को पावे, ठंड में नहीं निकल पाते हैं। हाँ। हमने आपके लिए लिखा है, आप बहुत दिनों से परेशान हैं, आपके अत्यंत दो मूल प्रश्न हैं। पहला, पति को लखवा लग चुकी है जिसके कारण आप परेशान हैं, व पुत्र व संतान आपकी उन्नति करे, हैरानगी दूर हो व घर में सुख शांति हो। हाँ। यही प्रश्न लेकर के आई हैं। शाम को ले आना, भगवान ने चाहा तो जब तक हम जाए जब तक आधे से ज्यादा सही हो जाए। आशी पंडित जी वाने बुला दो, बोल कौन पावा, बुला दो वाने। मैं कह तो दिया आधे से ज्यादा सही हो जाएंगे, अब मैं भगवान थोड़ी ना हूँ। ठीक ठीक। अच्छा आपसे पूछ रहा हूँ, ये बैनर छप गया था? ठीक ठीक। और बैनर में पर्चा बोलते हैं उसको, पर्चा छप गया था। अच्छा। और मैं नहीं आता तो क्या कथा होती? मैं दरबार नहीं लगाता तो दरबार लगता? नहीं लगता ना दरबार, तो जब लगता ना जब मैं आता। तो कर्म आपको करना पड़ेगा, प्याज लहसुन मांस मदरा चार चीजों का त्याग करना पड़ेगा 11 मंगल तक माता जी, 2.5 से 3 महीना तक। मेरी गारंटी ठीक हो जाएगा। अगर कभी परेशानी आई बीच में तो वीडियो कॉल लगा करके दिखा देना, मैं ऑनलाइन ही झाड़ दूंगा। ठीक है, यही प्रश्न पूछ के आई थी। सही है आपका पर्चा? माइक पर बोलिए। सही है जी, सही है जी। अब आप एक काम करिएगा, वो आ नहीं सकते यहाँ पर ना आजेगा। एक उपाय लिख रहा हूँ, न्यू तो आ जाएगा जी, ठंड में कौन निकल पावा भाई भी। शाम तक ले आइएगा, शाम तक कल ले आइएगा ना, शाम ने ले आऊंगी। ये भभूत उसके पूरे शरीर में लगाइएगा, जहां जहां उसको लकवा मार गई है ना उस शरीर में लगाइएगा। और ये वाला हमने मंत्र लिखा है नीचे, ओम संकट मोचनाय नमः, इसका जाप करिएगा। आप करिएगा ठीक है, 20 मिनट करना है घड़ी में देख करके। ठीक है, आपके पति का क्या नाम उसमें लिखा होगा कहीं, देखना। पढ़े नहीं पाती हो? अरे बाप रे, चलो कोई नहीं, कथा सुनने आती हो। बोलो सीताराम भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सच्चे दरबार की जय। जय श्री राधे। आ जाओ आगे बैठी माता जी, लाल कलर का साल डाले। आज बोलो दादा गुरु की, संकट मोचन सरकार की, ओम संकट मोचनाय नमः का जाप करिए।
माइक लीजिए माता जी, बोलिए। हेलो, बोलो। और घर में सुख शांति, और पोते की पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए, और बेटा ठीक रहना चाहिए, तीनों चीजें अच्छी होना चाहिए। और आपका कुछ है? शरीर चकाचक है? हाँ जी। शरीर में कोई दिक्कत नहीं जी? आपके कोई दर्द? ये नहीं तो थोड़ा बहुत होता ही है पंडित जी। तो खुद की क्यों नहीं बताती हो? पुत्ते हो, बेटे की ज्यादा पड़ी हुई है। वाह, हमने आपके लिए लिखा है, आप भी अत्यंत परेशान रहती हैं। पहली बात स्वयं के शरीर को लेकर गए, दूसरी बात पुत्र को लेकर गए, नाती को लेकर गए। घर पर उपद्रवता ज्यादा फैलती है, जिसके कारण भी हैरान रहती हैं। घर में सुख शांति बने एवं घर परिवार आगे बढ़े, ये सोच करके आई हैं। चिंता ना करो, प्याज लहसुन का पहले त्याग करो, जब जाकर के घर परिवार आगे बढ़ेगा। अब तुम खाओ प्याज लहसुनों को, महाराज ने कहा था बढ़ेगा, तो कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। आज से ही शांति मिलेगी। खड़ी हो जाओ, पहले अपने शरीर में देखो। चलिए नीचे उतर के चलो। अरे बाप रे, आराम है, ऊपर चढ़ के आओ। अच्छा जीना अच्छा मिला है, चढ़ के आओ, उतर के आओ। था मंदिर के लिए, लो आराम है। हाँ, कैमरे पे देख के बोलो आराम है। हाँसी में सब देख रहे हैं। नारियल फोड़वाते जाओ थोड़ी। हाँ हाँ, अरे नहीं आप फोड़ो, आदमी फोड़ते हैं। अंगला आदेश, आ जाओ दीदी जो कंबल ओढ़े। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दरबार पूरी तरह निःशुल्क था, निःशुल्क है और निःशुल्क रहेगा। दरबार का कोई एक रुपया यहां पर नहीं लेगा, रुपया लगेगा तो मात्र आप लोगों को अगर देना है वो आपके सहयोग की बात है। आप भागवत में सहयोग करें तो आप लोगों की कथा है, हम तो कर नहीं रहे, लेकिन हमारे दरबार को किसी प्रकार से पैसा से तोला नहीं जाता है।
चैनल तो नहीं चल रहा, आवाज जा रही है। वाली गई पहले वाली आवाज नहीं गई, जा तो नहीं गई, ऐसे ऐसे म्यूट करे ना जब तक। माइक लीजिए, क्या परेशानी? यह है जिक्र की सुख सुख शांति के लिए और थोड़ा बहुत पैसा देने के लिए। पार्टनरी में उलझ रहा है, पार्टनरी में काम चल रहा है। हाँ जी, आपके घर से? हाँ जी। तो वो पार्टनरी तो वही खराब कर देते हैं बीच में। हाँ जी, खर्च करना चाहिए एक रुपए कर देते हैं 50 रुपए, बस यही हो रही है जी। है? हाँ जी, हमें कैसे पता? पति को लेकर के भी तो आप परेशान है। हाँ जी। आप जब उन्हें रोकती हैं तो वो आपकी कहना तो कभी मानते नहीं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ कि ना? हाँ जी। हमें कैसे पता? अपना सब पता जी, अपना तो। आपकी कहना वो कभी नहीं मानते हैं। आप जितनी बार उन्हें समझाओगे उल्टा भगते हैं। हाँ जी। अगर आपकी कहना मानते तो आज तक ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। काफी घाटा भी उन्हें झेला है। हाँ जी। कितनी संतान है आपकी? एक लड़का एक लड़की। एक लड़का। क्या करता है लड़का? पढ़ते हैं जी। कितने में पढ़ता है? लड़की 8वीं में, लड़का 6वीं में। हमने आपके लिए लिखा है, काय काय का व्यापार किए हैं आपके घर से? ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में ठेकेदारी का। ठेकेदारी रोडों की, तालाबों की। अच्छा अच्छा, हाँ समझ में आ गई। अच्छा, समझ गए। हाँ जी। हाँ जी। हम और हमारी बहन सब देख लेंगे, आधे में डलवाएंगे हम लोग पूरा ठेका, कहाँ कहाँ हो रही है। ठीक है, हमें कर लो पार्टनर। ठीक है जी। हम माता है, हंस रही। हाँ हाँ, कची तो कह रही होंगे ठाठरी के बंदे। अच्छा कची, माताओं के तो मन में महाराज यहीं रुक जाए है मन में, हम क्यों रुके आपके? हमारे हमारा घर परिवार कहाँ जाएगा? किस किस के मन में? कजू कह रहे हैं, ये पंडित यहाँ पर कब्जा करने आया, इसको भगाओ। चिंता नहीं करो, किसी को हमारी बात का बुरा तो नहीं लगता। अच्छा, वो कल वो सरपंच साहब वाली सुना दी थी। हमने लगा आप भी अत्यंत परेशान है, पहले संतान को लेकर भी हैरान रहती हैं, वह उनका भविष्य चाहती है कि हमारी संतान का अच्छा भविष्य बन पड़े, बाप ज्यादा परेशान रहती है, घर पर उठा पटक रहती है, पति को लेकर के ज्यादा परेशान है, सोच से ज्यादा भी कार्य कर लेते हैं। एक रुपए खर्च करना चाहिए जिसकी जगह 50 रुपए खर्च करते हैं, कभी कभी भगवान का नाम भी लेते हैं और कभी कभी दूसरा भी नाम लेते हैं। लेते हैं दूसरा भी नाम लेते हैं, शराब का भी नाम ले लेते हैं। तो चिंता ना करें, भगवान ने अगर चाहा तो अभी 2 महीने तक तो घाटा दिखेगा, लेकिन 2 महीना के बाद धीरे धीरे करके घाटा सम्मिलित होकर के बिल्कुल स्थायी रूप से आएगा, और मार्च में भगवान ने चाहा तो आपका घाटा बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन एक बार हमारे धाम पे जरूर आ जाना। आशीर्वाद। धन्यवाद। आ जाओगी? जरूर आऊंगी। पर्चा सही है? बिल्कुल ओके। जो हमने बोला वही बात है? बिल्कुल ओके जी। यही बात लिखी? हाँ जी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, थोड़ा सा उनको आप मत बताएं, आप ज्यादा उनसे कहोगी तो उनको आपकी बात कभी सीधी नहीं लगती, उल्टी लगती है। हाँ जी। वो कहते हैं तुम मुझे समझाओगी। हाँ जी। ऐसी बात है। हाँ जी। तुम मुझे समझाओगी, मैं तुम्हारे कहने पर चलूंगा, लगने तो जो लग रहा है। हाँ जी। लेकिन चिंता नहीं करो, उन्हें कुछ ही नहीं लगेगा। अच्छा। थोड़ा सा मलेरिया भी है, उसको भी ठीक करें। आशीर्वाद। ठीक है। अरे चच्चू को चल रही लाइव कैमरा चल रहा है। आपको पता है कि नहीं?
मेरे को पता और का का ज्यादा नहीं, दूर दूर से तो पता है। हां जी अब तो नहीं है जी कुछ, अब तो नहीं है, अब तो नहीं है, लेकिन पहले पढ़ गए थे बहुत ज्यादा किसी दूसरी लुगाई के चक्कर। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको जानकारी तो मिली थी उसकी? हां हां, आपको पता तो था वो? हां, फिर आप क्यों कह रहे नहीं पता? मैं खास नहीं पता था, जानकारी तो मिली थी कि नहीं? बस मैं थोड़ी थोड़ी और क्या किसी लगी पता है। आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल गलत नहीं, अपने व्यापार पे जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। कथा सुन के जाना है। कैमरा 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 चल रहा है, कैमरा कैमरा, ये लाइव भारत भर में फैल रही है। किसी को ये लगेगा कि पंडित जी पर्चा बनने के बाद ये इसकी व्यस्त, जो कि अपन लोग लगे हैं फ्री में करने के लिए, उल्टा और बीत जाए। क्या है, अपने चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं चचू इस संसार में, हमारे ज़्यादा हैं चाहने वाले झांसी जिला में। हाँ लीजिए। क्या परेशानी जी? परेशानी तो पिता की शराब छूट जाए जी, और भाई के गले में दिक्कत है जी, और पति का कर्ज जी। पति का कर्ज? अरे राम राम राम, क्या कैसे कर्ज कर लिया आपके पति? कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ रहा है। कैसे कैसे? बस पता ही नहीं कैसे चढ़ गया। कितना कर्ज हो गया जी? है 1.5-2 लाख के नेड़े। 1.5-2 लाख कोई बड़ी बात है जी? यो गणा जी मार लिए तो है? मार लिए तो यो गणा जी। हरियाणा के लिए 1.5-2 लाख कोई बड़ी बात नहीं? यही की है? महजत की? कहाँ की हो? हिसार की हूँ जी लड़की तो। महजत यहाँ हांसी हिसार महजत है? यही हांसी हिसार महजत। कथा सुनने आती हो आप? हाँ जी, कल शाम लगी हूँ जी। कल ही आई? हाँ जी। तो फिर साथ में दिन आ जाती, काहे परेशान हुई? अंतिम दिन आ जाती सीधी, सुनती फ्री होती। लो, संतान वृद्धि भी ज्यादा चाहती है, आप ज्यादा परेशानी में रहती हैं, पति के विषय में सोच रही हैं, कर्जदारी ज्यादा है जिसके कारण हैरान गति रहती है। पिता की शराब व भाई की उन्नति के लिए आई हैं, चिंता ना करें, दोनों तीनों कार्य होंगे आशीर्वाद। आपको एक काम करना है, तिल जानती हो? तिल का तेल। तिल का तेल आपको हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर पे जलाना है, दीपक वो है, जला करके एक नारियल फोड़ना, बस प्याज लहसुन खाना नहीं है। अच्छा जी, मान जाएंगे वो आपके? हाँ जी मान जावे जी, मान जावे। हाँ जी, पैसा भर चुक जाए है? हाँ ठीक, चुक जाएगा। जाओ आशी जी, भाई का गला में दिक्कत ज्यादा है, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। है अभी लेके आए तो हम सही कर दें अभी? ना जी, वो तो हिसार है जी, हिसार है जी। अब बताओ भाई, हिसार है, पर्चा यहाँ बनना है, कैसे काम होगा जी? वो ज्यादा कथा तो नहीं सुनी आपने एक भी दिन, वो प्रश्न पूछे 6-7 दिन की। बताओ, लगाओ भाई को फोन। जी? फोन लिए आप? ना जी, फोन तो कौन ले रही जी, अब फोन नहीं लेती हूँ, फोन नहीं अभी तो। तो उसको फोन लगा करके हमें दिखा देना शाम को, वीडियो कॉल होता है वो? हाँ जी। तो उसमें उसकी चौंध दिख जाएगी? ठीक है, दिखा, जानते हो, दिखा देंगे, उसका मुंह दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, तो हम उसको झाड़ देंगे। ठीक है, दिखा देंगे जी। एक
उपाय लिख दें जो हमने आपको बताया। लिख दो जी। जी कमर में भी बहुत ज्यादा दिक्कत है जी मेरे। खड़े हो करके चल के आओ। चल के आओ वहां तक, चल के आना है तो मैं ऊपर तक सीढ़ियां चल के। जे सीढ़ी पीढ़ी पीढ़ी चढ़ के आना पीढ़ी। अच्छा ये अच्छी बनवाई तुमने, ये हमारे लिए बनी थी आज से कुछ वर्ष पहले कि कोई पंडित आवेगा वो ऐसे ही करवेगा। हाँ आशीर्वाद। बोलो सीताराम, तेजी से बोलो सीताराम। बोलो संकट मोचन सरकार की, बोलो महजद गांव की। महजद विदेश की, महजद विदेश। आराम है, माइक लेकर के बोलो। हाँ जी आराम है जी। आराम हो गया, जुम्मा सही है जी। बिल्कुल सही है जी। अब बताओ कैसे सही हो गई जी। जी आपका चमत्कार है। हमारा चमत्कार। अच्छा डॉक्टर के पास भी जाओ तो इतनी जल्दी सही नहीं होती है, यहाँ कैसे हो गया? वो दवाई खा लीजिए, कोई भी आराम नहीं होता। कोई आराम नहीं, और यहाँ की दवाई यहाँ पर तो जुम्मा सही है। बिल्कुल सही हो गई। अब कथा सुनने भी आना थोड़ा मन लगा के, है ना? ऐसा नहीं कि बनवा लिया पर्चा और चले अपने अपने घर। जी जरूर आओगी ना? हाँ जी। आओ तो अच्छी बात, नहीं आओ तो हम तो अपने भोग ही रहे जो भोग रहे। ना जी आऊंगी जी जरूर। हाँ जाओ। आज नहीं किया प्रधान जी किसी ने, हम ठटरी देवा है नवा। कल समझ गए थे सब रे। एक बार कह दो ठटरी। हाँ हमारे गांव वाले सुन रहे हैं। हमारे यहाँ कभी भी आप आना तो सुबह से ये शब्द चलता है, ठटरी के बंदे, ठटरी के बंदे। वो तो कल हमें जाने कैसे कह आई, नहीं तो सात दिन में पता नहीं चलता आप सबको, काम हो जाता है। अदब प्यारे, नीला टोपा लगाए। आ जा जल्दी आ जा। खूब लामे लामे आदमी हैं बच्चे थे कि देखो तो जी टांगे। सुन लो रे बुंदेलखंड वाले। जन्म दैयो विधाता, जन्म दैयो विधाता। बोलो सब लोग। बुंदेलखंड में बोलो। हाँ जी बोलो, क्या परेशान? जी 5 साल हो गए, 7 दिन है, बच्चे ही समस्या है। कहाँ हैं? घर से आई हैं आपके? ना ही नहीं है। क्यों? आ जाएंगे। हाँ जी। तो 7वें दिन बुला रहे थे। ना आ जाऊंगे जी। हाँ आ जाऊंगे। और कोई परेशान? ना अपना और कोई परेशान। शरीर कोई अस्वस्थ? बिल्कुल आप ओके जी, और कोई दिक्कत को नहीं। मैंने लिखा है पहली बात, आपके घर से स्वयं अस्वस्थ रहती हैं। अस्वस्थ का मतलब संतान कना होना। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर तो कोई कुछ कहा जी, कोई कुछ कहा, कोई समझ। शरीर का अस्वस्थ रहता है जिसके कारण आप काफी परेशान रहते हैं, घर में उचैटन भी रहती है, जिसको लेकर के परेशान है, संतान की परेशानी लेकर के आए हैं कि हमारे यहाँ संतान हो। 24 जून 2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद।
24 जून 2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद। लेकिन प्यार लहसुन छोड़ना पड़ेगा इन्हें। छोड़ दें जी, कोई दिक्कत को छोड़ दें जी, छूट जाएगी, छोड़ दें जी। लो हमने मैं तारीख के लिख दिया, आ जाना। लेकिन एक आध बार हमारे धाम पे भी आ जाना। आ जाएं जी, आ जाएं जी। ओ ठटरी जन्म दई यो विधाता बुंदेलखंड में। बोलो सीताराम 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 सीताराम, आ जाओ। एक और संकल्प हो गया भैया, बैठा बैठा। आप जब तक नहीं आ पाए जब तक संकल्प हो गया है। हाँ 18 जनवरी, हाँ भी तो भागवतन ही भागवतन पे चिपट गए अब तो, पता नहीं। हांसी जिला हिसार, जला झांसी। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। फिर आशीर्वाद चाहिए, दर्शन हो गए थे रात को सपने में हमारे। हाँ जी। वाह आजकल हम सपने में भी आ रहे हैं, बस बिल्कुल क्लियर आ रहे। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? प्रश्न तो है भी नहीं, कोई प्रश्न तो है भी। कहाँ से हो? हाजमपुर से। हाजीपुर कहाँ है जी? हाजमपुर। हाजमपुर कहते हैं जो। एक बार अपने मुंह से कहो कहना ठटरी। ठटरी। अच्छे से बोलो कहना ठटरी। ठटरी। और अच्छे से बोलो कहना ठटरी। ठटरी। हाँ। कोई प्रश्न तो है अभी आपके? वैसे तो बस दर्शन करना चाहते थे, दर्शन के लिए आए। प्रश्न अभी है तो बता। कितने संतान है? दो बेटे। कहाँ हैं दो बेटे? पतिदेव कहाँ हैं? पतिदेव वो बेटे। आहा काफी बुला लो उनको भी, बुलाओ गुरुजी, उनका आदेश नहीं है, उनको बुला लो। बुला ले, आ जाओ। आ जाओ, जो आ जाएगा उसी का आदेश है, पर्चा बना रखा है। आ जाओ साथ तो बैठो। आपको लेके सुधार करने की जरूरत है अभी, है कि नहीं है? है। कहो तो फिर हम निकाल के दें। निकालो, दो निकाल दो, जो है वो निकाल दो, भीतर मत रखो। हैं मत रखो। बताओ भाई साहब, जय हैं पतिदेव। हाँ जी बोलो।
जय सिया राम। बता भैया कोई प्रश्न? प्रश्न तो कुछ नहीं, बस कोई प्रश्न नहीं। किसी चीज का क्या करते हो आप? गाड़ी चलाते हैं सर। कौन सी? मैजिक बड़ी दस्तक खुद ही का है? हाँ जी खुद का। तो ठेला हमें दे दो, आप रख लो, तुम ड्राइवर बन जाओ हमारी गाड़ी में। बिल्कुल, हम तो वैसे ही ड्राइवर है गुरुजी, आप ही के ड्राइवर रह जाएंगे और क्या। गाड़ी वाला जी ने दी रखी है, बाबा की नाम की है, सब कुछ उसी का है, हमारा कुछ नहीं है। बीच में परेशानी आई थी आपको? बहुत आती है, बहुत आई। घाटा बड़ा, घाटा बड़ा, घाटा बड़ा, घाटा। अच्छा, एक दूसरे में सुख शांति भी नहीं बनती है? किन में? हमारे में, हमारे में मालिक जाने होता। इसकी बार मालिक जाने। सुख शांति है। देखिए हमने लिखा है, पहली बात तो आप अपने आप में सुधार करें, तथा दूसरी बात घर परिवार में पति के साथ मिलकर के कार्य करें। असमंजसता रहती है, ट्रक का धंधा है, वो बीच में आपकी उठापटक हो गई थी, जिसके कारण सोच से अधिक परेशान भी रहे। हाँ जी। अब भी परेशान है, लेकिन भगवान की कृपा से अभी पूर्ति होती चली जा रही है, और भगवान ने चाहा तो 2023 के अंत अंत तक एक और का आ जाए आशीर्वाद। राम राजा सरकार की, सांचे दरबार की, जय जय श्री राधे। आ जाओ, राधे राधे गुरु जी। प्रसन्न बहुत है गुरु जी, प्रसन्न बहुत है, बहुत
हाँ जी बोलिए। शरीर में परेशानी है। एक मिनट रुक जाओ। बोलिए माता जी। हाँ जी, शरीर में परेशानी है, जैसे दो साल से खांसी बनी हुई है, आंखों में ग्लूकोमा बता दिया, कमर में दर्द, वो तो सीधी पूरे शरीर में परेशानी। हाँ, और अभी दो दिन आने के बाद यहाँ से। पहला प्रश्न खत्म, दूसरा बोलो। दूसरा, दो दामाद हैं, वो थोड़े से काम नहीं चल रहा उनका ठीक से। आपकी बालिका के पुत्र? हाँ, वो बालिका के घर से गुस्सा इतना करे है, अपने आप को बहुत समझदार समझे है दोनों ही। तीसरा प्रश्न काम नहीं। तीसरा मेरे भाई के लिए। चौथा प्रश्न? चौथा प्रश्न अपनी बहन के लिए। पांचवा प्रश्न? पांचवा तो भगवान जाने सब ठीक कर दे। बताओ माता जी, तुम कितनी माया तुम्हें लगी हुई है, पूरे कुल के प्रश्न लेकर के आए हो। बताओ साहब, बहुत दिन से प्रतीक्षा थी गुरु जी। आपके कितने पुत्र हैं? दो हैं। दो पुत्र, क्या करते हैं? दोनों नौकरी करे, एमबीए करके सर्विस में, अच्छे सर्विस में लगे हुए गुरु जी। वो तो एमबीए करके, हाँ, छोटा वाला ऑस्ट्रेलिया चला गया, बड़ा वाला दिल्ली है द्वारका, सुख शांति है, सब ठीक है। कहाँ से आई हो? आई तो यही मैजत, मेरा गांव है। बा और सास ससुराल बाल संबंध है, रहते हम दिल्ली हैं, द्वारका सेक्टर। तो आप एक हमारी बात मान लो। बताओ गुरुजी। एक बात आप हमारी मान लो, क्यों बताओ? कहते प्रधान जी, बालिका को लेकर के आप परेशान हैं, इस साइड देखिए। किसको? बालिका। बालिका, बालिका यानी पुत्री। पुत्री के दामाद परेशान करते हैं, वह आपके भाई व पारिवारिक समस्या व शरीर की समस्या है। चिंता ना करें, बालिका के यानी पुत्री के दामाद में ताकत नहीं है, मेरे हिसाब से वो चलेंगे, जाओ गारंटी। दोनों जन ठीक रहेंगे, आपके कार अच्छे होंगे, उन्नति मिलेगी, आपका भाई भी अच्छा रहेगा, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। जाओ आशीर्वाद। माइक छोड़ो, सीढ़ी चढ़ के आओ। गुरु जी, भाई की फैक्ट्री और दुकान है इसार में। आप ये पहले नीचे रखो, उते तक चढ़ के आओ ऊपर। हाँ सो एक बार चढ़ाओगे गुरु जी मेरे को?
हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। अब देखो देखो, अब नहीं है, अब शरीर में उठ बैठ के देखो, बैठो, खड़े हो, हंस क्यों रही हो, तुम सबको दे दें, रुक जाओ, दे दें, नहीं ले ही लो, अब तुम समझ में आ जाएगी, कोई सही नहीं कर पाएगा फिर। हाँ, हाँ, हाँ। उठ बैठो, खड़े हो जाओ, खड़ा करो दादो, बोलो आराम है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, हल्का सा, अब थोड़ा बहुत तो हम ही उठेंगे तो होगा, पहले से आपको आराम है कि नहीं है? आराम, माइक पे बोलिए, सीताराम सीताराम। प्रधान जी बहुत ठंड है, तो मैं कहा दिन एक जल का नहीं लेता हूँ, कछु तो करते तुम हमारे लाने, मारे डार रहे बस उघाई बेला घाई न मेरे। हाँ गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी एक बात और बोल लूं मैं आपसे जी, आप बोले थे फैक्ट्री जो थी उसमें उसको काफी घाटा लगा हुआ है, काफी परेशान है, उससे कह देना कि हमसे फोन पे बात कर ले, हमारा नंबर है 9137947301, ये लिखा हुआ है हर पर्चा में, हमारा नंबर है, इसमें बात कर ले, हमारा न लग पाए तो पंडित जी से बात कर ले, हम पहली बात तो हमारी चालू है, नहीं लग पाए तो पंडित जी से कर ले।